हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम देखेंगे वन डायमेंशनल एंड टू डायमेंशनल एरेज में एड्रेस कैसे फाइंड आउट करते हैं। इट्स लाइक कि आपको एक एरे गिवन है, किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट का हम एड्रेस कैसे कैलकुलेट करेंगे डायरेक्टली यूजिंग अ फॉर्मूला। तो सबसे पहले देखते हैं वन डायमेंशनल एरे में कैसे करेंगे। नाउ से दिस इज आवर एरे ए, इसके अंदर हमने फाइव एलिमेंट्स लिए हैं। एंड सपोज हमने जब उनको मेमोरी में स्टोर किया, वो स्टार्ट हुए एट लोकेशन 104 से। सो 104 पे फर्स्ट एलिमेंट आ गया 2, देन 9, 5, 4, 6। सपोज ऐसे हमारे मेमोरी में ऑलरेडी स्टोर्ड है ये डेटा। नाउ आई एम सेइंग कि ओके, आपको थर्ड एलिमेंट का एड्रेस फाइंड आउट करना है, डेट मीन्स A3 का। तब कैसे फाइंड आउट करोगे? एक मेथड है, आप कंप्यूट करके देख रहे हो कि फर्स्ट एलिमेंट अगर मेरा 104 पर है, उसका बेस एड्रेस है एरे का, तो सेकंड मेरा होगा 106 पर। इंटीजर टाइप की हमने वैल्यूज ली है, सो दो दो का गैप लेंगे, सो सेकंड वैल्यू हो गई हमारी 106 पे। एंड सेम वे नेक्स्ट वैल्यू हो गई है हमारी 108 पे। ओके, ये तो आपने क्या किया, दो दो का गैप लेके उसको कंप्यूट किया है मैनुअली वन बाय वन। एक हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है उसको कंप्यूट करने के लिए। नाउ योर क्वेश्चन शुड बी, जब हम मैनुअली कंप्यूट कर सकते हैं तो फॉर्मूला क्यों लर्न करें, राइट? नाउ टेक दिस सिनेरियो, आपके पास 500 एलिमेंट्स का एक एरे बना हुआ है। एंड हम सेइंग ओके, A455 पे बताओ आपका क्या एड्रेस होगा। सो उसमें आप वन बाय वन करके, दो दो का इंक्रीमेंट करके कंप्यूट नहीं करोगे, उस केस में आपको एक फॉर्मूला की नीड है। सो इस लेक्चर में हम देखेंगे व्हाट इज दैट फॉर्मूला। ओके, नाउ उस फॉर्मूला से पहले हम देखते हैं कौन कौन से टर्मिनोलॉजी हम यूज करेंगे। फर्स्ट टर्मिनोलॉजी इज बेस एड्रेस, उसको हम बी से डिनोट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज लोअर बाउंड, हम सबको पता है लोअर बाउंड मीन्स फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू। सी प्रोग्रामिंग में जीरो से स्टार्ट होता है, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। सो LB फॉर लोअर बाउंड। नेक्स्ट इज, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, W। नाउ W क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? W मीन्स आपके एक सिंगल एलिमेंट को, एरे के एक वैल्यू को कितना स्पेस रिक्वायर्ड है। ओके, सो मेमोरी रिक्वायर्ड टू स्टोर वन एलिमेंट, उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं W से। नाउ अगर आपको मान लो 500 एलिमेंट्स का एक एरे गिवन है, उसमें आपके पास लोअर बाउंड है, अपर बाउंड है और बेस एड्रेस गिवन है एंड मेमोरी रिक्वायर्ड टू स्टोर वन एलिमेंट, ये सब वैल्यूज ऑलरेडी गिवन है। बेस एड्रेस, लोअर बाउंड, W, योर अपर बाउंड और जो भी आपका एरे है ना, इन टर्मिनोलॉजी को यूज करके, इन वेरिएबल्स को यूज करके हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? आर फॉर्मूला इज एड्रेस ऑफ ए के, एंड फॉर दैट फॉर्मूला इज बी, दैट मीन्स बेस एड्रेस प्लस W, मेमोरी रिक्वायरमेंट ऑफ ईच एलिमेंट इनटू के माइनस LB। ओके, सो दिस इज आवर फॉर्मूला। नाउ चेक करते हैं क्या इस फॉर्मूला से हमें करेक्ट वैल्यू मिल रही है। नाउ से हम A3 का एड्रेस फाइंड आउट करते हैं। नाउ मेमोरी रिप्रेजेंटेशन से हमें पता है A3, डेट मीन्स 4 हमने कहाँ स्टोर किया हुआ है, 110 पर। सो बेसिकली जब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, हमारी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 110। तो अब हम वेरीफाई करते हैं क्या वाकई हमारा 110 आ रहा है। ओके, सो बेस एड्रेस हमें गिवन है, एड्रेस ऑफ आर फर्स्ट एलिमेंट वो हमें गिवन है 104, राइट? सो 104 ले लेंगे प्लस W, मेमोरी रिक्वायर्ड टू स्टोर वन एलिमेंट वो हमें क्वेश्चन में गिवन है, आप मान के चलो आपको गिवन है ये, दैट इज 2K। दैट मीन्स कौन से एलिमेंट के लिए हमें एड्रेस फाइंड आउट करना है, वो हम 3 के लिए कर रहे हैं A3। तो K की वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस LB, लोअर बाउंड हमने लिया 0। ओके, सो 3 माइनस 0, 3
इंटू टू सिक्स आ गया ये, प्लस 104. नाउ 104 प्लस 6 विल बी 110. ओके, 110 की रिक्वायरमेंट थी हमें, करेक्ट आया है. दैट मीन्स आवर फॉर्मूला इज एब्सोल्यूटली करेक्ट. सिंपल फॉर्मूला है. नाउ ये क्वेश्चन में देखते हैं कैसे यूज करेंगे. नाउ आवर क्वेश्चन इज कंसीडर द लीनियर एरे ए विद लोअर बाउंड एज 16, अपर बाउंड एज 30. नाउ इसमें इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट नहीं हो रही है, 16 से स्टार्ट हो रही है और 30 तक जा रही है. सो इट विल बी लाइक 16, 17, 18 अप टू 30. इफ बेस एड्रेस इज 100, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है. आई टोल्ड यू बेस एड्रेस आपको गिवन होगा. एंड स्पेस रिक्वायर्ड टू स्टोर ईच एलिमेंट इज 4 वर्ड्स, अगेन गिवन है. नाउ दिस इज आर W. देन द एड्रेस ऑफ A27 इज, हमें A27 का एड्रेस फाइंड आउट करना है. सी इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं. फॉर्मूला क्या है हमारा, B प्लस W इंटू K माइनस LB, राइट. नाउ बी बेस एड्रेस हमें क्वेश्चन में गिवन है 100. यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट योर सेल्फ और आपको बहुत इजिली आंसर मिल जाएगा. सो 100 प्लस W. नाउ W हमें गिवन है 4 वर्ड, सो इट विल बी 4 इंटू के. के 27 क्वेश्चन में गिवन है, A27 के लिए हमें एड्रेस फाइंड आउट करना है. सो के विल बी 27 माइनस LB. नाउ वॉट इज LB? क्वेश्चन में गिवन की एरे की इंडेक्सिंग हमारी स्टार्ट हो रही है 16 से, सो LB विल बी 16. डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट की वैल्यूज सोल्व कर लेते हैं. 27 माइनस 16 11 इंटू 4 प्लस 100. Now 11 into 4 will be 44, 44 plus 100, 144. So address of A27 will be 144. Done? Simple. Now here is your practice problems. These are two practice problems जो आपको खुद से solve करनी है. Just pause the video, try it yourself. डायरेक्ट आपको फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी है. वी विल सॉल्व दीज प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स इन नेक्स्ट ट्यूटोरियल. फॉर द टाइमिंग आप खुद से ट्राई कर सकते हो. सो ये था वन डायमेंशनल एरे में. सिंपल रिप्रेजेंटेशन होते हैं वन डायमेंशनल के और सिंपल फॉर्मूला है. नाउ देखते हैं टू डायमेंशनल एरे में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे एड्रेस ऑफ एनी एलिमेंट. ओके, दिस इज अ टू डायमेंशनल एरे. देर आर टू मेथड्स, रो मेजर स्टोरेज एंड कॉलम मेजर स्टोरेज. आपका फॉर्मूला डिपेंड करता है कौन सी आपने स्टोरेज लिया है, आप रो वाइज स्टोर कर रहे हो या कॉलम वाइज कर रहे हो. ना फॉर्मूलाज करने से पहले टर्मिनोलॉजी देखते हैं हम कौन कौन सी यूज करेंगे इसके अंदर. अगेन वेरिएबल बी फॉर बेस एड्रेस, W स्टोरेज साइज ऑफ ईच एलिमेंट, वो दोनों सेम है. बी एंड W हमारे सेम है जो हमने वन डायमेंशनल में लिए थे. Now LR was lower bound of row. Now अगर हम इस example की बात करें, इस example में हमारी lower bound क्या होगी, LR, lower bound of row क्या होगी. Now अब इसमें देखो row जो हमारी है, rows की indexing 0 से start हो रही है, so LR will be 0 in this example. Clear? Next terminology is LC. It is lower bound of column. Now in this example again columns हमारी zero से start हो रही है, so lower bound of column will be 0 in this case. Next variable is M. M show कर रहा है number of rows in a matrix. Now इस particular example में हमारी number of rows कितनी है, 3, 1, 2, 3. So in this example M will be 3,
राइट। नेक्स्ट वेरिएबल इज एन, एन शोज नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ गिवन मैट्रिक्स। नाउ नंबर ऑफ कॉलम्स, इस मैट्रिक्स में कितने लिए हैं हमने, फोर, फोर कॉलम्स बनाए हैं। नेक्स्ट इज आई एंड जे। नाउ देखो आई एंड जे हमारे सबस्क्रिप्ट है, वो क्या शो कर रहे हैं, जिस भी एलिमेंट का एड्रेस आपको फाइंड आउट करना है। सपोज आई एम सेइंग आपको ए वन टू, इस एलिमेंट का एड्रेस फाइंड आउट करना है फ्रॉम दिस टू डायमेंशनल एरे। सो नाउ आई क्या है, आई हमारा फर्स्ट सबस्क्रिप्ट है दैट इज वन, जे क्या है हमारा सेकेंड सबस्क्रिप्ट दैट इज टू। सो ये वेरिएबल्स है जो हम यूज करेंगे हमारे फॉर्मूला में। फॉर्मूला देखते हैं क्या है, सबसे पहले देखते हैं रो मेजर में, अगर हम रो वाइज स्टोर कर रहे हैं टू डी एरे को, तो उसमें हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा। नाउ आवर फॉर्मूला इज एड्रेस ऑफ ए आई जे, जिस एलिमेंट का हमें एड्रेस फाइंड आउट करना है, इक्वल्स टू बी बेस एड्रेस प्लस डब्लू, जो भी हमने स्टोरेज साइज लिया एक एलिमेंट का। नाउ देखो नाउ इम्पोर्टेंट क्या है, ब्रैकेट में है डब्लू इंटू एन इंटू वन माइनस एल आर। नाउ एन इज नंबर ऑफ कॉलम्स, आई माइनस एल आर प्लस जे माइनस एल सी। नाउ सपोज आपको एड्रेस फाइंड आउट करना है ए टू वन का। ए टू वन का मतलब है वैल्यू टू, ओके दिस वैल्यू। नाउ इसका एड्रेस फाइंड आउट करने का मतलब है इस वाली रो से पहले जितनी भी रोज आ चुकी हैं उनके सारे एलिमेंट्स, ओके प्लस सेम रो में जिसमें जिसमें हमारा एलिमेंट लाई कर रहा है उसमें उससे पहले कितने एलिमेंट्स आए हैं। सो बेसिकली ये दोनों रोज के सारे एलिमेंट्स प्लस थर्ड वाली रो में टू से पहले जितने भी एलिमेंट्स है उन सब का साइज वो सब हमें लेना है। नाउ जिसमें हमारी फर्स्ट टर्म है एन इंटू आई माइनस एल आर, कंप्यूट कर रहा है आपके कितने एलिमेंट्स हैं जो स्टार्टिंग के दोनों रोज में हैं। फर्स्ट रो सेकंड रो में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको कंप्यूट कर रहा है। जो आपकी सेकंड टर्म है जे माइनस एल सी वो कंप्यूट कर रहा है टू से पहले कितने एलिमेंट्स हैं। जो लास्ट रो में हमारा टू है जिसका एड्रेस हमें फाइंड आउट करना है उससे पहले कितने एलिमेंट्स है वो हमें मिल रहा है जे माइनस एल सी से, ओके। अगर आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है जस्ट लीव इट, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। अब हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं इस फॉर्मूला को। ये हमारा रो वाइज हमने मेमोरी में स्टोर किया हुआ है। नाउ सपोज हमें एड्रेस फाइंड आउट करना है ए टू वन का, जो अभी हमने वैल्यू ली थी। नाउ इन दिस क्वेश्चन हमें बेस एड्रेस पता है, बेस एड्रेस आपको गिवन है, डब्लू गिवन है, एल आर एल सी सब कुछ दिया हुआ है और आपको सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है। नाउ अगर आप मेमोरी में रिप्रेजेंटेशन देखो तो हमें पता है ओके ये टू हमने कहाँ स्टोर किया हुआ है, 122 पर। अब हमें सिर्फ चेक करना है क्या वाकई इस फॉर्मूला से 122 आ रहा है, ओके लेट अस सी। बेस एड्रेस आपको गिवन है 104, स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट प्लस डब्ल्यू भी आपको क्वेश्चन में गिवन है 2। नाउ एन नंबर ऑफ कॉलम्स आपको फाइंड आउट करना है दैट इज 4, फोर कॉलम्स है इसमें हमारे, इनटू आई माइनस एल आर। नाउ हमें कौन से एलिमेंट का एड्रेस फाइंड आउट करना है, ए टू वन का, राइट। सो वैल्यू ऑफ आई विल बी 2 माइनस एल आर, एल आर इज 0, लोअर बाउंड ऑफ रो प्लस नाउ वैल्यू ऑफ जे इज 1 माइनस एल सी अगेन 0। जस्ट सॉल्व इट, इसको सॉल्व करके देखते हैं। 1 माइनस 0 विल बी 1, 2 माइनस 0 विल बी 2 इंटू 4 प्लस 1। राइट, नाउ 4 इंटू 2 इज 8 प्लस 1 9, 9 इंटू 2 विल बी 18, 18 प्लस 104, 18 प्लस 104 इज 122।
तो इसमें हमें क्या आ रहा है, एड्रेस 122, और यही एड्रेस हमारा आएगा जब आप उसको मेमोरी में रिप्रेजेंट करके देखोगे। ओके, ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने एरे को मेमोरी में रिप्रेजेंट किया हुआ है। आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपको मेमोरी रिप्रेजेंटेशन नहीं गिवन है, सिर्फ और सिर्फ एरे गिवन होता है। सो ये डायरेक्ट फॉर्मूला हमें याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं कॉलम मेजर में हमारा फॉर्मूला क्या है। इन दैट फॉर्मूला इज बेस एड्रेस बी प्लस डब्लू इंटू आई माइनस एल आर प्लस एम इंटू जे माइनस एल सी। नाउ इसमें डिफरेंस कहाँ आ रहा है, एम का। प्रीवियस फॉर्मूला में हमने यूज किया था एन, दैट वॉज नंबर ऑफ कॉलम्स। इसमें हम यूज करते हैं एम, इट इज नंबर ऑफ रोज। ओके, सो वैसे हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं ना, सपोज जो वैल्यू वन है उसका एड्रेस हमें कंप्यूट करना है। सो इसमें हमें करना क्या है, उससे पहले जितने भी एलिमेंट्स है वो फाइंड आउट करने हैं कि कितने एलिमेंट्स हैं। सो जो इसमें हमारी सेकेंड टर्म है एम इंटू जे माइनस एल सी, वो चेक करती है जिस भी कॉलम में हमने वन लिया हुआ है उससे पहले कितनी कॉलम्स हैं और कितनी रोज हैं। सो बेसिकली ये इन सिक्स एलिमेंट्स को फाइंड आउट कर लेगी कि इससे पहले कितने और एलिमेंट्स हैं, इससे पहले वाली कॉलम्स हम कितनी ले चुके हैं। सो सिक्स एलिमेंट्स हमारे आ जाएंगे m इंटू जे माइनस एल सी से, और जिस कॉलम में वन है जिसका हमें एड्रेस फाइंड आउट करना है उसमें उससे पहले कितने एलिमेंट्स हैं। ये जो दो एलिमेंट्स हैं ये हमें पता चल जाएगा हमारी फर्स्ट टर्म से, आई माइनस एल आर से। आप करके देख सकते हो इफ यू थिंक अबाउट इट, एंड इफ यू डोंट वांट टू जस्ट स्किप इट। आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है क्या है हमारा एड्रेस कैलकुलेशन का। अब एग्जांपल देखते हैं। सपोज हमें एड्रेस कंप्यूट करना है ए ऑफ 1 2, दैट मीन्स 9 के लिए एड्रेस हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, जो वैल्यू 9 है फॉर्मूला में पुट करते हैं। बेस एड्रेस आपको गिवन होगा, इट इज 104 प्लस डब्लू 2 है एक सिंगल वैल्यू को स्टोर करने का स्पेस इनटू आई माइनस एल आर। नाउ वैल्यू ऑफ आई इज 1 माइनस एल आर 0, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, प्लस एम। नाउ एम इज नंबर ऑफ रोज। इस गिवन मैट्रिक्स में हमने 3 रोज बनाई हुई है, सो 3 जे माइनस एल सी। नाउ वैल्यू ऑफ जे इज 2 माइनस 0। जस्ट सॉल्व इट, 2 माइनस 0 इज 2 इंटू 3, इट इज 6 प्लस 1 माइनस 0, इट इज 1 इंटू 2 प्लस 104। Now, जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 118। सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला एड्रेस ऑफ ए 12 इज 118। और अगर आप मेमोरी रिप्रेजेंटेशन को देखोगे जो राइट हैंड साइड पे मेमोरी बनाई हुई है, इसमें 9 हमारा कौन सी लोकेशन पर है, 118 पर। सी सेम आंसर आ रहा है। सो योर फॉर्मूला इज एब्सोल्युटली राइट। आपको दोनों फॉर्मूला याद रखने हैं, एंड you can find address of any element in any array. Now next is some practice problems. ये दोनों formulas हैं, one is for row measure and second is for column measure. Okay? So this is our first practice problem. An array M with rows from 1 to 10. ये representation है 1 colon 10. इसका मतलब है row में जो हमारी indexing होगी वो होगी 1 2 3 अप टू 10। कॉलम की इंडेक्सिंग अगेन दी हुई है 1 to 10, 1 से 10 तक। रिक्वायर्ड 2 बाइट्स ऑफ द स्टोरेज, डब्लू आपको दे दिया, एंड द बिगनिंग लोकेशन इज 500, ये आपको दे दिया बेस एड्रेस, राइट। सो डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ एम 5 6। नाउ हियर एम इज द नेम ऑफ द एरे, 5 मीन्स आई दे दिया आपको, 6 मीन्स जे दे दिया। नाउ आई जे बी डब्ल्यू एल आर एल सी सब कुछ गिवन है। ओके, कंप्यूट कर लोगे
नाउ आपको M56 की लोकेशन फाइंड आउट करनी है, रो मेजर के थ्रू भी कॉलम मेजर के थ्रू भी, दोनों के थ्रू करके देखनी है. नेक्स्ट प्रॉब्लम इज एन एरे एक्स. नाउ नेम ऑफ एरे इज एक्स विद रो इंडेक्सिंग फ्रॉम -15 to 10. नाउ रोज में हमारी नंबरिंग हो रही है -15 से शुरू, -15, -14, -13 अप टू 10. एंड कॉलम की इंडेक्सिंग है हमारी 15 to 40. रिक्वायर्ड 1 byte ऑफ स्टोरेज. नाउ दिस 1 इज योर W फॉर ईच एलिमेंट एंड द बिगनिंग लोकेशन इज 1500. नाउ दिस 1500 इज योर बिगनिंग लोकेशन, दैट मीन्स योर बेस एड्रेस. सो डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ एक्स 15, 20. ऑल यू हैव टू डू इज पुट ऑल वैल्यूज इन योर फॉर्मूला. अगेन इसमें आपको रो मेजर एंड कॉलम मेजर के थ्रू सॉल्व करना है. नेक्स्ट अगेन हमें एक एरे गिवन है ए, उसकी रेंज दी हुई है रो एंड कॉलम्स की. रिक्वायर्स 2 bytes ऑफ स्टोरेज फॉर ईच एलिमेंट इफ द एरे इज स्टोर्ड इन रो मेजर फॉर्म. नाउ इसमें सिर्फ और सिर्फ रो मेजर वाइज आपको फाइंड आउट करना है. हैविंग बेस एड्रेस 100, देन द एड्रेस ऑफ ए 62 विल बी. एंड दिस इज योर लास्ट प्रॉब्लम. इसमें भी आपको रो वाइज बताना है. सो ये 4 आपकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम है. जस्ट पोज द वीडियो, ट्राई टू योर सेल्फ. आपको सिर्फ फॉर्मूला इसमें पुट करना है. एंड ये सारी प्रॉब्लम्स हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे, उनका सॉल्यूशन क्या सॉल्यूशन है. और अगर आप खुद से ट्राई करोगे देन आपको सिर्फ अपने आंसर्स मैच करने हैं, क्या आपके राइट आंसर आ रहे हैं. एंड इफ यू आर गेटिंग राइट आंसर देन यू गॉट दिस कॉन्सेप्ट वेरी वेल. सो आई होप यू विल गेट राइट आंसर. Thank you all for watching this. If you have any doubt, you can ask in comment section.